परिवर्तन देखें। वाह रे मानव तेरा स्वभाव। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेट्रिन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लेट्रिन घर में आके करता है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। चारों महत्वपूर्ण बदलाव हैं। वाह रे मानव तेरा स्वभाव। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों, जहाँ गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। विचित्र दुनिया का कठोर सत्य। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। अजब तेरी दुनिया का गजब तेरा खेल। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करना और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना। वाह रे दुनिया। लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है। बिंदी एक रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको नौको नहीं पड़ते। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूध बेचने वालों को घर घर गली गली कोने कोने जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। और अंत में बहुत खूबसूरत पंक्ति, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी जानवर का ही नाम है।